सतनाम कै बंदिया वाहे गुरु कै सतनाम सतनाम कै बंदिया वाहे गुरु कै साडा बड़ा चंगा है, साडे ने बड़े काम किए, साडा बड़ा बहादुर है, साडा बड़ा योद्धा है। मैं कहना हूं भी गल का स्वाद तुम्हारा जो कोई बाहरला बंदा उठ के सिफत करे। विद्वान बैठे ने जरा ध्यान देना, एक एक गल सुन वाली है। गुरु खालसा जी एक इंग्लैंड का विद्वान होया, इंग्लैंड का मिस्टर मकालफ। वो अपनी कलमना लिखता, एक दिन बैठा मैं पढ़ रहा सो कहता, काश कितने गुरु गोबिंद सिंह महाराज साडे इंग्लैंड की धरती से पैदा हो जाते, असी सारी दुनिया के उत्ते सिखी का झंडा चला देंगे। सारी दुनिया के उत्ते इहदे विच अतकथनी कोई नहीं, इहदे विच झूठ कोई नहीं, इहदे विच गप कोई नहीं। यरूशलम फलस्तीन दे विच होया, ते जिंदगी के पहले 30 साल बेचारा भेडा ही चारदा रहा, भेडा 33 साल का सी जदों सूली ते टंगिया गया। सिर्फ 3 साल ईसाई मत का प्रचार किया उन्हें, ते अद्धी दुनिया ईसाई बना के रख दी। अज सारी दुनिया की गिणती 600 करोड़ के करीब है, जिदे विचों 175 करोड़ ईसाई ने, 90 करोड़ मुसलमान ने, 70 करोड़ हिंदू ने, 30 करोड़ बोधी ने, और साड़ी गिणती 5-6 करोड़ के करीब सारे वर्ल्ड के। मैं बेनती कर जावा, एक दिन बैठा मैं इंग्लैंड के विद्वान को पढ़ रहा सा, माफ करना मैनू जिंदगी दे विच हिंदुस्तान तो बिना बाहरले विद्वानों नू पढ़न दा बड़ा समा मिलिया। मैं मिस्टर कनिंगम नू पढ़ रहा सा बैठा, मिस्टर कनिंगम कहिंदा गुरु गोबिंद सिंह महाराज वर्गियां शख्सियतां, मैं उहदे वर्गी शख्सियत होर दुनिया ते कोई वेखी नहीं, जिन्हें गरीबां और नताणियां नू राजियां और महाराजियां दे नाल टकरा दिता। एक दिन बैठा मैं एक कसूर दे पखीर नू पढ़ रहा सा, उहदा नां है साई बुले शाह पखीर। उहने कुजे दे विच समुंदर बंद कर दिता, कहिंदा ना कहूं जब की, ना कहूं तब की, ओए बात कहूं रब की, गर ना होते गुरु गोबिंद सिंह ते सुनत होती सब की। सर गोकुल चंद नारंग लिखता है, वह कहिंदा जिहड़ी तलवार श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने फड़ी, दुनिया के लोगों तुहानू इस गल का नहीं पता, उसका लोहा उसका फलाद श्री गुरु नानक देव महाराज अपने हथी तैयार करके गए से। डॉक्टर इंदू भूषण बैनर्जी लिखता है, वह कहिंदा गुरु गोबिंद सिंह वर्गियां शख्सियतां जिन्हां दा रहिंदी दुनिया तक ना रह जांदा, रहिंदी दुनिया तक ना, इहो जिहियां शख्सियतां ने जिन्हां दा नां कदे दुनिया उत्ते खत्म नहीं हुंदा। कवि कहिंदा महाबली एक अकाल दा पुत, ओह गुजरी दे दुद्ध दी महाशक्ति, मुड़ के जमना नहीं उहदे नाल दा पुत। मैं बेनती कर जावा, एक दिन बैठा मैं गुरबख्श सिंह प्रीत लड़ी नूं पढ़ रहा सी। गुरबख्श सिंह प्रीत लड़ी औरंगजेब की सिफत करता करता कहिंदा, औरंगजेब बादशाह मुगलिया राज की शान सी शान, ते जो गुरु गोबिंद सिंह ने गल कही ना, फिर भावक होकर कहिंदा श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सिख राज की प्रभात सत प्रभात। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। गुरु रो प्यारी सत्संग जी, एक दिन बैठा मैं अल्लाह यार खां जोगी नूं पढ़दा सी, अल्लाह यार खां जोगी, यह गुरु गोबिंद सिंह महाराज का इतिहास लिखण लगा। इहदे मन दे विच कोई वलवला उठिया, मन दे विच तूफान उठिया, यह कहिंदा वी गुरु गोबिंद सिंह महाराज तुहाडा इतिहास मैं लिखण लगा, ते लिखण तों पहले इक अरदास कीती खलो के। अरदास विच कहिंदा सच्चे पातशाह अपना इतिहास तू मेरे को आप लिखवाना, मेरी तो सिर्फ कलमियां तू कृपा कर दे, और जे कितने मैनू इतिहास लिखण तो पहला दर्शन देवे ना, मैं मन जाऊंगा तू है दुनिया के उत्ते। अरदास जे पूरी हुई नहीं, जदों अखां खुलियां ते नीले दे शाह सवार खूब हो सामने खड़े, उन्हें कहा दुनिया दियां लोकां दियां अखां रात नूं सुत्तियां पईआं सुपना वेहदियां,
मेरिया अखा कि सफरां तो नहीं वेख रही कि यह सच है। उस वेले पासा परत के दूए पासे वेखिया तो गुरु गोबिंद सिंह फिर मोहरे खड़े, फिर पछाण वेखदा, फिर मोहरे खड़े, फिर चौथे पासे वेखदा, फिर मोहरे खड़े, चार फिर निगाह घुमा के वेखदा, महाराज प्रताप खूब हू सामने खड़े नजर आए। फिर लिखदा कहिंदा तजल्ला तेरी जात का सूप सूह है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, करना ही देखा गुरु गोबिंद सिंह को देखो कोई हूं बहू है। मैं बेनती कर जावा, एक दिन बैठा मैं भाई साहब भाई नंद लाल गोया जी को पढ़ रहा सा, उन्हें कमाल करते लिखना आ रही, वो कहते नासर मंसूर कर गोबिंद सिंह, इस दी मंजूर कर गोबिंद सिंह, हकरा कमजूर कर गोबिंद सिंह, जुमला फेजे नूर नूर कर गोबिंद सिंह, हक हक अदा गुरु गोबिंद सिंह, शाहे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह, भाई खालसा दे कीने गुरु गोबिंद सिंह ते हक हक आ इना गुरु गोबिंद सिंह आ इना। फारसी में शीशे नु कहंदे ने, भाई साहब कहंदे गुरु गोबिंद सिंह सच है और सच दे वेखण वाला शीशा है। अगली पंक्ति विच कहंदे हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह ते बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह, कहंदे दुनिया दे उत्ते बादशाह बड़े होए होणगे, दरवेश भी बड़े होए होणगे, पर जे बादशाही ते दरवेशी दोवें कठियां एक प्लेटफार्म उत्ते वेखणियां होण मेरे कलगियां वाले गुरु विच वेखियां जा सकदियां ने। अगली लाइन विच भाई साहब कहंदे कातरे हरकार गुरु गोबिंद सिंह ते बेकसरा यार, समय दी सरकार तो डरदा जिहदी कोई बाह फड़न वाला ही नहीं सी ना, उहदा यार भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज बनिया। कहिंदा कातरे हरकार गुरु गोबिंद सिंह ते बेकसरा यार गुरु गोबिंद सिंह। अखीरली पंक्ति विच भाई साहब ने कमाल करती, कहिंदे रूह फरदर जिस्म गुरु गोबिंद सिंह, जिहड़ा जिस्म है ना शरीर आ, भाई साहब कहिंदे जिहड़ा जिस्म सी जिहड़ा शरीर सी ना इह ते कलगी धर पातशाह दा अपना सी, जिहड़ी इहदे विच रूह सी ना रूह आत्मा ओ अकाल पुरख दी अपनी सी। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। भाई साहब कहिंदे रूह फरदर जिस्म गुरु गोबिंद सिंह, अगली पंक्ति विच कहिंदे नूर हर हर चश्म गुरु गोबिंद सिंह, चश्म कहिंदे ने अखां नूं, भाई साहब कहिंदे जिहड़ियां अखां ना अखां इह ते कलगी धर पातशाह दीआं अपणीआं सी, जिहड़ी वेखण वाला विच नूर सी लाइट सी प्रकाश सी जोत सी ओह अकाल पुरख सच्चे पातशाह दी सी। उस गुरु ग्रंथ उस गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे प्रसाए सिखियां होईआं चन्न लैणीआं ने इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस घाटी लिखा गया परवाने का गुरु महाराज की सिरत च है। Ah!
सतनाम कै बंदिया वाहे गुरु कै सतनाम सतनाम कै बंदिया वाहे गुरु कै। वाहे गुरु वाहे गुरु कै सतनाम सतनाम कै बंदिया वाहे गुरु कै सतनाम सतनाम कै बंदिया वाहे गुरु कै। ताकि किसी नूं शक दी गंजैश ही ना रहे, किसी दे मन दे विच भुलेखा ही ना रहे। इहनूं पंजाबी विच कहिंदे ने आत्म कथा, हिंदी विच कहिंदे ने स्वै जीवनी, उर्दू वाले कहते हैं सवाना वरी, और अंग्रेजी वाले कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। मैं बेनती करता हूं, श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज एक ऐसी शख्सियत हैं जोड़े अपना इतिहास अपनी कलम के नाल आप लिखते गए, ताकि किसी को शक की गुंजाइश ही ना रह जाए। बहुत व्यक्ति ऐसे हुए जिन्होंने अपना इतिहास अपनी कलम के नाल आप लिख दिता है, जिन्हें महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू, हिंदुस्तान का सबका राष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्ण, हिंदुस्तान का सबका एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, श्री मान मास्टर तारा सिंह, भाई साहब भाई रणधीर सिंह, प्रोफेसर साहब सिंह ज्ञानी जैल सिंह, ते होर भी बड़े बंदे ने जिन्हें अपना इतिहास अपनी कलम के नाल आप लिखिया है। पर अज तो साढ़े तीन सदियां पहला श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपना इतिहास अपनी कलम के नाल आप लिख दिता, ताकि किसी को शक की गंजैश ही ना रह जाए। इहनू गुरु खालसा जी इसका नाम रखिया बचित्र नाटक। बचित्र कहते ने अनोखे, तो नाटक कहते ने ड्रामे, जिहड़ा पंजाबी विच तर्जमा करके तो अर्थ बनता भी अनोखी किस्म का ड्रामा। ड्रामा भी वह जिन्हों कोई दुनिया की शख्सियत, दुनिया की कोई ताकत खेड ही ना सके। महाराज अपनी कलम के नाल लिखते हैं, कहते मैं हूं परम पुरख का दासा, देखण आयो जगत तमाशा। गुरु खालसा जी आ जड़िया मनुख नूं अखां दित्तियां ना परमात्मा ने वेखण वास्ते, आ जगत का तमाशा सारा जो हो रहा आपां इन अखां दे नाल वेखदे आ। याद रखना इस जगत के तमाशे नूं इह अखां वेख रही है, कोई ऐसी अख भी है जिहड़ा तमाशा करन वाला मगर मदारी बैठा जिहड़ी अख उहनूं वेखदी होवे। जिहड़ा इस तमाशे नूं कर रहा ना मदारी मगर बैठा है, कोई वेहली अख होवेगी जिहड़ी उस मदारी नूं वी वेखदी होवेगी। महाराज कहिंदे मैं हूं परम पुरख का दासा, देखण आयो जगत तमाशा। तमाशा भी हो जिन्हों कोई खेड ही ना सके। मैं कई बार वेखना अखा सामने माता मार देनी, पिता मार देना, पुत्र मार देने, मामे मार देने, भूआ दे पुत्त भरा मार देने, सारा सरबंस अखा दे सामने मार के साडे वल उंगल करके कह देना, इन्हीं की कृपा के सिवे हम है नहीं, 200 गरीब करोड़ परे है। यह जो तमाशा कोई हर बंदा खेड सकता। सिखा ने सवाल किया, महाराज तुसी कहिंदे जी मैं हूं परम पुरख का दासा, देखण आया जगत तमाशा। महाराज एक गल पुछनी चाहुंदे आ, तुसी तप कीता किथे बैठ के, दसो तप। महाराज कहिंदे हेम कुंट पर्वत है जहां, हेम कहिंदे ने बर्फ नूं। तुसी कदे हरिद्वार जाओ, हरिद्वार तो सीधी सड़क जाती ऋषिकेश, जोशी मठ का गड़िया, गोविंद घाट, गोविंद धाम। 15,230 फुट की बुलंदी उत्ते एक झील है, उसका नाम है हेम कुंट। मेरे सतगुरु कहिंदे हेम कुंट पर्वत है जहां, सप्त श्रृंग शोभत है तहां। ओदी पट्टी निशानी यह है भाई, ओदे चार छफेरे सत पहाड़ियां शोभा पा रही ने, ते सत्ते पहाड़ियां वेखण नूं इउं लगदियां ने जिवें बर्फ दियां बणियां होईयां पहाड़ियां हो। ते मेरे सतगुरु कहिंदे ताहे हम अथक तपस्या साडी, मही अकाल काल का आराधी। महाकाल का मतलब है बहुत ही लंबा समा,
कई बंद इतने भुलेखा भी लगा जो पाठ होता ना महाकाल काल कारा थी एक नौजवान मैनू ज्ञानी जी मैं सुने दसवें पातशाह भी देवी की पूजा करते रहे मैं क्या तेन कितों टेलीफोन आ गया दसवें पातशाह अपनी कविता आप लिखते ने कहते तुम्हें शायद कोई अमर ना त्यों जो पर चाहू सो तुम ते जो पाठ होता ना महाकाल काल का राती महाकाल का मतलब है बहुत सारा लंबा समा ते काल का मतलब है अकाल पुरख काल का मतलब है दा महाराज कहते मैं बहुत लंबा समा बैठ के इतने अकाल पुरख की बंदगी की सिमरन किया भगती की सिखा ने फिर सवाल करता महाराज एक गल होर पूछनी चाहते हैं महाराज कहते पूछो थोड़ा परमात्मा ध्यान देना कहते जरा राबिया थोड़ा परमात्मा जिन्हों तुम मनते हो है कि हो गया गुरु खालसा जी बड़ा वड्डा सवाल है ते जेड़े मेरे भागा वाले वीर सवेर नूं उठ के रोज पंजां बाणियां दा नितनेम करदे होणगे ना भागा वाले वीर ते महाराज की दूजी बाणी है जाप साहब जदों तुसीं जाप साहब की बाणी पढ़दे आ ना ते आरंभ दे विच आउंदा चक्कर चेहन अर वर्ण जात अर पात नहिंज रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत कह मेरे सतगुरु कहिंदे जेड़ा मेरा राबिया ना ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਰੇਖ ਨਹੀਂ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਚਿਹਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਹੈ ਥਲੇ ਹੈ ਪੀਤ ਹੈ ਭੇ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਅਜੂ ਹੈ ਅਦੇਸ ਹੈ ਅਦੇਸ ਹੈ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਬਈ ਬਾ ਹਸਾਬ ਇਤਨਾ ਕਿ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਜਹੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਬਈ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਵਿੱਚ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦਾ ਵਾਸਾ ਲੇਕਿਨ ਬੇਹਜ਼ਾਬ ਇਤਨਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਬੇਹਜ਼ਾਬ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੇਮ ਕੁੰਟ ਬੈਠੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 38,93,000 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ 53 ਯੁਗ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸਤਯੁਗ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ 12,96,000 ਸਾਲ ਦੁਆਪਰ ਯੁਗ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ 8,64,000 ਸਾਲ ਤੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁਗ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ 12,96,000 ਸਾਲ ਤੇ 5,000 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਜੇ ਸਤਯੁਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਲਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ 38,93,000 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਪ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤਪ ਸੀ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚਿਹਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਆਣ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਤਿਆਰੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤਪਸਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖੋਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਨੇ ਖੋਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਜਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਪੰਥ ਸਾਜ ਜਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਸਿਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਬਈ ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੀਸਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੀਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਸੀ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜੁੜ ਗਏ ਸਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠਾਟ ਪਿਓ ਮੈਂ ਜੋੜ ਕਰ ਬਚਨ ਕਹਾ ਸਿਰ ਨਿਆਏ ਪੰਥ ਚੱਲੇ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈਂ ਜਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਹਾਏ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੀਸਰਾ ਪੰਥ ਸਾਜਾਂਗਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰ ਇਹ ਸਭ
सब कुछ तो हो सकता जो तू मेरी सहायता करे। अकाल पुरख ने सज्जा हाथ वधा के सिर दे उत्ते रख दिता। कह लगे पुत्रा मैं अपना सुत तोए नवाजा जड़ कला। अकाल पुरख सच्चे पातशाह बैठे दुष्ट मनु कह रहे हैं उस वेले कच्चे हुए सीर परवाने का ढाडी यथा है यू पेश कर ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਜਾਣਾ ਪਊ ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ।